इसमें कोई आश्चर्य नहीं जो बाबा रामदेव ने गुरुवार 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के खंडवा में कहा था। उनका बोला गया सामने भलीभूत भी तो हो रहा है। किसी देश की ऐसी सरकार जो भला कोई बाबा किस्म का व्यक्ति खुली चुनौती दे रहा हो और सरकार बहादुर खामोश है। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने मध्य प्रदेश के खंडवा में एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो रिमोट कंट्रोल उनके पास होगा। बाबा ने कहा था कि सत्य का रिमोट कंट्रोल सत्ता पर रहे और वह हम रखेंगे। यह बात रामदेव ने पत्रकार वार्ता में कही थी। बाबा ने युग शिविर के बहाने अपना राजनीतिक एजेंडा साफ करते हुए कहा था कि राजनीति का शुद्धिकरण एक लंबा युद्ध है। उसी दौरान बाबा ने दावा किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव तक जन जागरण करने के लिए वो पूरे देश में यात्रा करेंगे और 9 माह तक वो पतंजलि पीठ में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था कि भारत स्वाभिमान संगठन के बैनर तले आगामी चुनावों में बेहतर विकल्प देने की जो योजना बनाई थी उसे अब भी त्यागा नहीं है। यह अब भी तलाश कर रहे हैं कि किन दलों और व्यक्तियों को जोड़कर यह संभव हो सकता है। बाबा का कहना था कि इसके लिए कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अरविंद केजरीवाल से अलग होने के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा था कि हमने कब उनके साथ फेरे लिए, फिर कहा हमने उनका साथ कहाँ छोड़ा। उन्होंने कहा कि अन्ना रालेगन सिद्धि में बैठे हैं, उनसे पूछो कि क्यों बैठे हैं। हम तो 3 साल से लगे हैं, ये 2 साल बुलबुले उठे और बरसात के बाद फूट गए, हम क्या करें। बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सांप्रदायिक हिंसा रोकने के नाम पर एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिससे सबसे ज्यादा उन्माद भड़के। रामदेव का 2013 की 24 अक्टूबर को बोला गया ये बयान अब वायरल हो रहा है, क्योंकि डॉक्टरों और मरीजों का मजाक उड़ाने के बाद अपनी गिरफ्तारी पर बाबा ने बेहद भड़काऊ बयान दिया था। बाबा ने कहा था कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि किक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा, बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। और आप बाबा के इस बयान के बाद सरकार पर चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद 2013 में बाबा का दिया ये बयान अब सामने आया है। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।